ओ यार जरूर, मुझे तो अब डेंगू मच्छरों से भी खौफ आने लगा है का, कसम से। अब खौफ आने लगा? तो क्या पहले डेंगू मच्छरों से तेरी बड़ी यारी दोस्ती थी, फिर अब खौफ ज्यादा होने की क्या जरूरत? यार आजकल जराए इब्लाग पर डेंगू मच्छरों से ताल्लुकात मुनकता करने का प्रोपेगेंडा बड़े जोरों शोर से हो रिया है का, कसम से। ओहो वो क्यों? मैंने तो सुना है कि डेंगू मच्छर अपन के नाजमीन और कायदीन माफिक न ज्यादा भिनभिनाता है, न जास्ती डींगे मारता है, खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, फिर आखिर क्या कसूर हैगा बेचारे डेंगू मच्छरों का? ओ सिर्फ कसूर ही नहीं यार, इसके काटने से जानलेवा बुखार हो जाता हैगा, इसके खातिर दुनिया भर में एहतियाती इकदाम किए जाते हैं, कसम से। अगर डेंगू बुखार इतना ही मौलिक होता है तो हम लोग भी एहतियाती इकदाम क्यों नहीं करते? अरे और कुछ नहीं तो आसपास का इलाका ही साफ सुथरा रखें, घर के आसपास गंदा पानी ना जमा होने दें, फिर डेंगू मच्छर ऐसी गंदगी पर लानत भेजते हुए वापस चले जावेंगे, तेरी कसम। ओ यार क्या बोलता तू, साफ सुथरा माहौल, साफ शफाफ पानी के जोहड़, ये तो सब डेंगू मच्छरों को दावत देने वाले इकदाम हैंगे जलूल। मैंने तो यही सुन रखा था कि मच्छर गंदे पानी के जोहड़ों और नालों में फलते फूलते हैं। ओ जी नहीं, अब जमाना बदल चुका है बच्चू, नई तहकीक के मुताबिक अब मच्छर भी साफ शफाफ पानी इस्तेमाल करते हैंगे, कसम से। यू मीन पीने पिलाने के लिए डेंगू मच्छर सिर्फ मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैंगे? फिर तो यही करना पड़ेगा कि दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगावें, पलंग पर मच्छरदानी लगावें, मच्छर मार कॉइल जलावें और मच्छर मार तेल स्प्रे करें। ओ यार ये तो बड़ा महंगा सौदा है क्या, इतने पैसे कहाँ से आवेंगे, और इतने इंतजाम के बावजूद डेंगू बुखार हो गया तो फिर क्या करेंगे? सुना है इसके इलाज की कोई दवा नहीं। कौन कहता है नहीं है, बिल्कुल है, बस एक खुराक मच्छर मार दवाई पी ले और सो जा।